Hi guys, welcome to my channel. My name is Sapna and welcome to another very interesting DIY home decor transformation video. So, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपना foyer area completely transform किया, कुछ furniture pieces इधर उधर move करके और simple easy DIY करके. तो ये मेरे foyer area का before था. तो पहले ये console यहाँ पे लगा हुआ था with some decoratives on it. तो मैंने इस piece को shift किया है और जो दूसरा console या credenza मेरे घर में है, which is this one, इसको मैंने foyer area में move किया है. तो ये करने का idea था to get some space in the dining area because थोड़ा सा congested हो रहा था. तो मैंने क्या किया, मेरा 8-seater dining table है जिसकी मैंने दो chairs उठाई और उनको इस तरीके से पेंट किया. नाउ द स्ट्रोक्स दैट आई हैव यूज्ड इन दिस केस ऑफ माय ब्रश इज सच दैट इट गेव अ डिस्ट्रेस्ड लुक टू माय चेयर्स. तो जैसे आजकल ये डिस्ट्रेस्ड एंटीक फर्नीचर बहुत ट्रेंडिंग है, तो मैंने ब्रश के स्ट्रोक्स इस तरीके से यूज़ किए हैं कि मुझे वो डिस्ट्रेस्ड लुक मिले एंड इट लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी ट्रेंडी. तो ये मेरा क्रेडेंजा है जो पहले डाइनिंग एरिया में था, जिसको मैंने फोयर में अब लगा दिया है इन प्लेस ऑफ द ब्राउन वन. इसके ऊपर मैंने बिछाया है ये ब्यूटीफुल कश्मीरी कढ़ाई का टेबल रनर, ये मैंने लिया था दिल्ली हाट से. और गाइस, जो मैंने पेंट किए हैं चेयर पे वो एक्रेलिक कलर्स हैं, आप देख सकते हैं ये चेयर्स रेडी हैं. पीछे मैंने येलो कलर किया है और फ्रंट में मैंने किया है एक डार्क पिंक और रेडिश पिंक कलर. तो ये पूरा का पूरा जो चेयर का कलर है विद द ब्लू टफ्टिंग बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है विद द लाइम ग्रीन क्रेडेंजा एंड यू नो द टेबल रनर एंड एवरीथिंग. तो ये मैंने दो चेयर्स यहाँ से लेके लगा दी, तो मेरा डाइनिंग एरिया भी थोड़ा सा स्पेस फ्री हो गई वहाँ पे. देन मैंने ये प्लेट ली है, इट्स टाइम टू जस्ट डेकोरेट द क्रेडेंजा. ये प्लेट मैंने डेमोक्रेसी होम नाम के एक स्टोर से ली थी, दे हैव वेरी गुड कलेक्शन. तो फिलहाल के लिए जो पीसेज आप यहाँ देखोगे दे आर जस्ट फॉर नाउ, मे बी आई कैन चेंज देम लेटर. और यहाँ मैंने लगाया एक ग्लास कैंडल होल्डर और एक प्यारा सा फ्लावर वेज विथ सम फ्लावर्स एंड ये हो गई डेकोरेशन. नाउ टू एड मोर कलर एंड क्वर्क आई हैव यूज दीज ब्यूटिफुल कलरफुल क्वर्की कुशन कवर्स, बोथ आर फ्रॉम चुंबक. आई थिंक चुंबक इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स टू बाय कलरफुल क्वर्की स्टफ, इट जस्ट एड सो मच ऑफ. आई फील दीज कलर्स एंड द क्वर्की पैटर्न्स एड सो मच ऑफ लाइवलीनेस टू योर यू नो स्पेस. सो डू हैव सच वाइब्रेंट कुशन कवर्स इन योर कलेक्शन. उसके बाद मैंने यहाँ ऐड किया एक रनर, ये रनर भी मैंने दिल्ली हाट से लिया है. ये है मेरा एक DIY टेबल, ये टेबल बिल्कुल पुराना सा ख़राब सा हो गया था, ये उसका बिफोर का लुक है. तो इसको भी मैंने पेंट किया एक्रेलिक कलर से और डेकोपाज के हेल्प से मैंने उसको ऐसे कलर्स उस पर दिए. मेरी DIY वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लीज़ चेक करिएगा. उसके बाद मैंने इस पर रखी है एक रेड कलर की बास्केट जिसके अंदर मैंने लगाया है ये नेचुरल स्नेक प्लांट. ग्रीनरी डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट ऐड करती है आपके लिविंग स्पेस पे. तो गाइज़, ये था बिफोर और नाउ इट्स टाइम टू रिवील द फाइनल लुक. सो ये है हमारा फाइनल लुक, इट लुक्स सो कलरफुल, सो वाइब्रेंट एंड ट्रस्ट मी गाइज, कलर्स थेरेपी की तरह काम करते हैं. सो मेक श्योर दैट आप अपने घर में कलर्स ज़रूर ऐड करें और अपनी लाइफ में भी. सो गाइज, देखा आपने कि किस तरह से थोड़े से फर्नीचर पीसेस को इधर से उधर मूव अराउंड करके और कुछ सस्ते और स्मार्ट DIYs करके, स्पेशली कलर्स ऐड करके आप अपने लिविंग स्पेस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो मुझे भी कॉर्नर बहुत पसंद आ रहा है, इट्स वेरी वाइब्रेंट, इट्स वेरी कलरफुल. कुछ भी नया सामान मैं नहीं लाई, बस इन चेयर्स को मैंने थोड़ा कलर ऐड करके ब्राइट बना दिया और एक DIY टेबल यूज किया, उसके ऊपर एक प्लांट रखा है एंड रेस्ट एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैड होम आई जस्ट मिक्स्ड ऑल द कलर्स टुगेदर. सिर्फ एक ये रग है जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि थोड़ा सा और डिफरेंट या और वाइब्रेंट हो सकता था, बट एज आई सेड जो मेरे पास कलेक्शन में था मैंने वही यूज़ किया है फिलहाल. बट शायद विद टाइम मैं रंग नया लाऊंगी, चेंज करूंगी तो आपको दिखाऊंगी. जो ये वॉल है अभी इस पर काम बाकी है, इसको मैं एक्सटेंड वॉल की तरह बनाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू एड अ ब्यूटिफुल वेरी वाइब्रेंट हैवी प्रिंट वॉल पेपर, बट जब कोविड जाएगा उसके बाद ही ये सब काम हो पाएंगे. तो फिलहाल अभी के लिए दिस इज माई सेटअप, बट आई एम लविंग इट द वे इट इज. सो उम्मीद करती हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बड़ा सा थम्स अप दिखाइएगा, कमेंट्स में मुझे बताइए आपको आइडिया कैसा लगा. और अगर आप ऐसा कुछ करें तो जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मेरे हैंडल्स नीचे दिए हैं. सो आई सी यू गाइज वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय. सो गाइज, जो पहले वाला ये था कंसोल
जो पहले फोयर में पड़ा था वो मैंने यहाँ डाइनिंग एरिया में लगा दिया है अगेंस्ट द वॉल। ये काफ़ी स्लीक सा पीस है तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, बट इट हैज़ गुड स्टोरेज। एंड ये वाली जो जगह जहाँ पहले येलो वाला कंसोल पड़ा था वो अब स्पेस फ्री हो गई है, सो वी हैव अ गुड स्पेस अराउंड द डाइनिंग एरिया बिकॉज 8 सीटर है, थोड़ा सा बल्की टेबल है तो इतनी स्पेस नहीं हो पाती थी स्पेशली जब ज़्यादा लोग आते थे। एंड बस इस तरीके से आप थोड़े से फर्नीचर पीसेस को इधर उधर शिफ्ट करके, कलर्स ऐड करके, स्मार्ट DIYs करके अपने घर का पूरा जो स्पेस है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस तरीके के आइडियाज़ ज़रूर इंप्लीमेंट करें, और अगर करें तो मुझसे शेयर करना ना भूलें। और लास्ट में मैंने यहाँ पे दो ये प्लांट्स और ऐड किए थे जो आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये आइडिया पसंद आया हो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कीजिए। एवरी थर्सडे आई अपलोड वीडियोज़, कभी कभी वीकेंड्स पे भी। लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट करिएगा। And I'll see you guys very soon with my next video. Till then, take care. Bye-bye. Love you guys.